फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू टेक्नोलॉजी। फ्रेंड, इस वीडियो में हम देखेंगे डिस्टिंक्ट अंटेन चेंज एंड डीबाउंस टाइम की। तो चलिए फ्रेंड, इसे स्टार्ट करते हैं। तो मैंने 4200 पे अपने कोड को रन कर लिया है एंड विजुअल स्टूडियो में ओपन कर लिया है। ठीक है फ्रेंड, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि डिस्टिंक्ट अंटेन चेंज एंड डीबाउंस टाइम हम लोग क्यों यूज करते हैं। तो मान लीजिए कि आपने इनपुट में टाइप किया ए, ठीक है, और आप टाइप करते जा रहे हैं, ठीक है। तो जो है डीबाउंस टाइम जो एक टाइम इंटरवल के बाद चलता है, जैसे मान लीजिए आपने 500 मिलीसेकंड आपने उसको टाइम दे दिया, तो आप जैसे मान लीजिए इनपुट पे दे रहे हैं और आप रुक गए, ठीक है। तो उसके बाद जब 500 मिलीसेकंड के बाद वो ऑटोमेटिक जो है वो रन कर जाएगा और जो भी आप आउटपुट दिए वो सब्सक्राइब होकर आपको वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड। अगर मान लीजिए आपने ए टाइप किया, फिर कुछ सेकंड वेट किया, ठीक है, फिर डी बी टाइप किया, तो क्या होगा कि अगर दोनों के बीच का जो डिफरेंस है 500 मिली सेकेंड से अगर कम है तो वो क्या है, दोनों वैल्यू टाइप होने के बाद आपको वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं फ्रेंड। तो दिस डॉट इज लॉगिन डॉट वैल्यू चेंज डॉट सब्सक्राइब डॉट टाइप डीबाउंस टाइम 500 मिलीसेकंड एंड इसको सब्सक्राइब करता हूँ, डेटा को कंसोल करवा रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, सेव किया, ब्राउजर पे गया, इंस्पेक्ट, कंसोल, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये ईमेल है, अब ईमेल पे मैं वो खाली कर लिया हूँ यहाँ से। अब मैं मान लीजिए इस पर वैल्यू टाइप कर रहा हूँ, तो देखिए आपको वैल्यू नहीं मिल रही है, ठीक है। अब जैसे मैं टाइप करना छोड़ूंगा और 500 मिलीसेकंड होगा तो आपको मिल जाएगी वैल्यू, ठीक है। जैसे मैं कुछ भी टाइप कर रहा हूँ तो आपको वैल्यू नहीं मिलेगी। जैसे मैं इसको छोड़ रहा हूँ, उसके बाद 500 मिलीसेकंड के बाद आपको वैल्यू मिल रही है। अगर आप ये इसको हटा देते हैं एंड सेव किए, तो प्रिंट क्या होगा कि जैसे आप इनपुट पे कुछ भी टाइप करेंगे आपको इंस्टेंट वैल्यू मिल रही है, ठीक है। तो डिस्टिंक्ट डीबाउंस टाइम क्या होता है, एक टाइम इंटरवल तक वेट करता है, उसके बाद आपको वैल्यू मिल रहा है, बार बार वैल्यू आपका फायर नहीं होता है, ठीक है। और फिर डीबाउंस डिस्टिंक्ट अंटिल चेंज को भी देख लेते हैं। तो डिस्टिंक्ट अंटिल चेंज को हम लोग इसलिए यूज करते हैं कि मान लीजिए आपने ए टाइप किया, ठीक है, फिर कुछ सेकंड वेट किया और फिर आपने कुछ चेंज नहीं किया है, तो एक बार तो वैल्यू फायर हो जाएगी, जब सेकंड बार अगर सेम वैल्यू मिलेगा तो वो फायर नहीं होगा, ठीक है। और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सेम वैल्यू को फायर करके उसको मतलब कुछ मिलना है नहीं, क्योंकि वो सेम वैल्यू है। तो अगर सेम वैल्यू मिलेगा तो वो फायर नहीं होगा, अगर वैल्यू डिफरेंट मिलेगा तो वो फायर होगा। अब ये एक ऑब्जेक्ट पे काम नहीं करता है, एक सिंगल वैल्यू पे काम करता है। तो आपको क्या काम करना पड़ेगा, यहाँ पे मैप फंक्शन लगानी पड़ेगी, मैप डेटा और डेटा डॉट ईमेल, मैंने यहाँ पे कॉमा कर दिया, सेव किया, ब्राउजर पे जा रहा हूँ। तो देखिए फ्रेंड, सिंपल सेम वैल्यू है। अगर मैं आर को रिमूव किया तो देखिए फ्रेंड आपको वैल्यू मिल गया, अगर मैं आर दे के फिर रिमूव किया तो देखिए सेम वैल्यू थी, इसलिए आप नहीं चलेगा, यह देखिए नहीं चला। मैं यहाँ टाइप करके हटा दे रहा हूँ, नहीं चल रहा है, ठीक है। जैसे इसको डिफरेंट वैल्यू मिलेगा, कुछ टाइम वेट करेगा ये चल जाएगा, अगर आपने फिर से वही काम किया तो वो चलेगा, अगर इसी को मैं देखिए तो नहीं चल रहा है, ठीक है। डिस्टिंक्ट अंटेल का मतलब होता है कि अगर आपको सेम वैल्यू दे रहे हैं, ठीक है, तो वो वैल्यू बार बार फायर नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं इसको रिमूव कर दूं,
मैं सेव करूँ और ब्राउजर पे गया। अब देखिए फ्रेंड, कुछ भी वैल्यू अगर टाइप करो, कुछ भी चेंजेस करो या उसको सेम वैल्यू रखो, फिर भी वो फायर होगा कुछ मिली सेकेंड के बाद। देखिए हो गया। देखिए देखिए मैं यहाँ से ईमेल को हटा ही देता हूँ और उसके बाद आपको अच्छे से समझ आएगा। इसको मैं रिमूव कर दिया हूँ, सेव किया, ब्राउजर पे गए। अब देखिए फ्रेंड, अब जो भी मैं यहाँ पे चेंजेस करूँगा, देखिए देखिए कुछ सेकंड वेट किया, कुछ सेकंड वेट किया, फिर आपको ये वैल्यू मिल रही है। तो डीबाउंस टाइम क्या करता है कि आपके जो सेम वैल्यू है, सेम वैल्यू अगर मिलेगा तो वो बार 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 वैल्यू फायर नहीं करेगा, सेम वैल्यू को बार बार वो फायर नहीं करेगा। अब आप यहाँ पे सब्सक्राइबर लिखने के बदले आप ऐसा भी कर सकते हो कि मैं लिख देता हूँ दिस डॉट, यहाँ पे इसको दिस डॉट डॉट सब्सक्राइब डेटा, और डेटा को मैं सिंपली कंट्रोल कर रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे इसको टाइप देना पड़ेगा। ठीक है, सेव किया। मैं अगर ब्राउजर पर जा रहा हूँ तो ये सेम वर्क करेगा। देखिए आपको वैल्यू मिल गई 5 मिलीसेकंड के बाद। देखिए ठीक है, जो भी आप चेंजेस कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे वैल्यू मिल रही है। ठीक है, तो हम डिस्टिंक अंटिल चेंज और डिबाउंस टाइम को हम इसलिए यूज करते हैं कि डिबाउंस टाइम के लिए एक टाइम इंटरवल के बाद वो वैल्यू फायर होगी, और डिस्टिंक अंटिल चेंज का मतलब होता है कि अगर सेम वैल्यू उसको टाइप कर रहे हैं तो वो बार बार कॉल नहीं होगा। ठीक है, तो फ्रेंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच।